नमस्कार। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी गैस का किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर अंशु कुमार राय असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स KMD कॉलेज परबत्ता खगड़िया बिहार में। आजकल जो मोटे मोटे तौर पर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानते हैं वो ये है कि गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली लगातार रैंडम मोशन कर रहे होते हैं गैस के अंदर। दूसरा क्या है कि जो हम लोग मोटे तौर पे काइनेटिक थ्योरी के बारे में जान रहे होते हैं वो ये है कि जो गैस की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसको हम लोग उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशंस है वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, ये हम लोग जानते हैं। बाकी ये भी हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो कॉलिजन हो रहा होता है या जो पार्टिकल्स वॉल के साथ जो कॉलिजन कर रहे होते हैं वो इलास्टिक कॉलिजन होता है। ये दो तीन चार चीज़ें हम लोग मोटे तौर पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में अभी जानते हैं। लेकिन इन चीज़ों के बनने में, इन चीज़ों के डेवलप होने में काफ़ी लंबा लंबा संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है इन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने में, काफ़ी लंबा साइंटिफिक स्ट्रगल था। और ये साइंटिफिक स्ट्रगल जो है इसकी कई वजहें रही। जिस समय काइनेटिक थ्योरी इवॉल्व कर रहा था उस समय एटम और मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टेंस था वही क्वेश्चन में था। इस वजह से काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा इस थ्योरी को। और एक जो सीरीज ऑफ इवेंट है इस थ्योरी के डेवलप होने का उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 50 BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 50 वर्ष पूर्व, रोम के फिलोसफर थे ल्यूक्रेटियस। ल्यूक्रेटियस ने माना था कि जो मटेरियल हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब उनको हम टुकड़ों में फिर बांट नहीं सकते हैं, और उनका नाम रखा गया एटम। 50 BC की ये बात है। लगभग उसी टाइम में या उससे थोड़ा पहले जो हम लोग बहुत सारे रोमन है या ग्रीक या कई इंडियन लिटरेचर में भी देखते हैं, एटम की बात उस समय की गई है कि जो मैटर का सबसे जो छोटा सूक्ष्मतम रूप है वो एटम है। लेकिन उस समय 50 BC में जो ल्यूक्रेटस ने अपना जो ये थ्योरी दिया एटम का, उसके लगभग 100 या 150 साल बाद एरिस्टोटल हुए। एरिस्टोटल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, काफ़ी डोमिनेंट फिलोसफर थे वो कम्युनिटी में, और उन्होंने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया, उन्होंने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से ये थ्योरी बहुत दिनों तक पड़ी रही और इसे कोई लोग मानते नहीं रहे। लगभग 2000 साल के बाद 1803 में एक बार जब फिर से जॉन डॉल्टन ने प्रपोज किया कि मैटर जो है वो एटम्स से मिलके बना होता है, जो कि इंडिविजुअल है, मतलब कि उसको उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, और सारे एटम क्या हैं, एक एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं।
इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन का भी रूल्स दिया था जॉन डॉल्टन ने, उनका काफ़ी फेमस रहा और उनके काफ़ी कुछ एटॉमिक जो थ्योरी है उसको अभी भी हम लोग मान रहे हैं। तो काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट था ये जॉन डॉल्टन का, 1803 के आसपास। 1803 से कुछ दिनों पहले मतलब 1738 में सबसे पहले गैस के बारे में, एक्चुअली उस समय बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि गैस क्या है, क्या होते हैं। डेनियल बर्नौली ने उस समय बताया था कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। उन्होंने बताया था कि गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है जो कि रैंडम मोशन करते रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रेशर होता है गैस का, वो इसी इन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से होता है। इन मॉलिक्यूल का जो सरफेस पर जो इम्पैक्ट होता है, जो धक्का लगाते हैं, और उस धक्के को जो हम लोग फील करते हैं, वही गैस का प्रेशर। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो हीट, जिस हीट को, जिस ऊष्मा को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो ऊष्मा भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन की ही वजह से होते हैं। वो जो काइनेटिक इनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, उसी का एक रूप है ऊष्मा भी। ये डेनियल बर्नौली ने 1738 में बताया, पर तुरंत इसको लोगों ने नहीं माना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज तब तक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी नहीं आई थी, और जो पहले का जो एटॉमिक थ्योरी था उसको रूल आउट कर दिया गया था। तो जब एटम्स का ही एग्जिस्टेंस एक तरह से प्रूफ नहीं हुआ था, तो इस थ्योरी को, डेनियल बर्नौली की जो थ्योरी थी काइनेटिक थ्योरी की, उसको क्वेश्चन में रखा गया था। इसी बीच 1783 में कैलोरिक थ्योरी आ गई थी हीट की। ये कैलोरिक थ्योरी क्या है? कैलोरिक थ्योरी मानता है कि हीट एक मासलेस फ्लूइड है, और ये फ्लूइड हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होता है, और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं होता है। जो जिसमें जो हॉट बॉडी है उसमें ज़्यादा कैलोरिक है, और जो कोल्ड बॉडी है उसमें कम कैलोरिक है। तो ये एक तरह का फ्लूइड माना गया था हीट को। तो ये जो प्रोपोजिशन था, ये जो थ्योरी था, ये बहुत सारे फेनोमेना को, जैसे लेटेंट हीट को या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, इसको ये एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस फेनोमेना को, कैलोरिक थ्योरी जो हीट था, इसको मान लिया गया। और इसको मानने की वजह से कि हीट एक फ्लूइड है, बर्नौली का जो मानना था कि हीट इस वजह से होता है कि मॉलिक्यूलर मोशन के वजह से, जो काइनेटिक इनर्जी, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो काइनेटिक इनर्जी होता है, उसी की वजह से हीट होता है, उसको एक और बड़ा धक्का लगा। साथ ही साथ इसके बाद कुछ और बहुत अच्छे काम जो काइनेटिक थ्योरी के लिए किए गए, जिनको उनके कंटेम्पररीज ने नेगलेक्ट कर दिया, इसमें थे मिकेल लोमोशो। 1747 में इन्होंने मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बताया था, काइनेटिक थ्योरी के बारे में। जॉन हेराफत 1816 में, इन्होंने तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ही निकाल दिया था कि प्रेशर, और जो गैस का प्रेशर है और गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन है, उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही निकाल दिया था जॉन हेराफत ने। फिर जेम्स वाटरसन आए, उन्होंने 1843 में, उन्होंने भी मॉलिकुलर लेवल पे ये बताया था कि काफ़ी कुछ मैथमेटिकली इन्होंने वर्क किया, बताया कि किस तरह से गैस का जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये किस तरह से उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के मोशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इन सब के वर्क को उस समय जो है माना नहीं गया, नेगलेक्ट कर दिया गया था उनके कंटेम्पररीज के द्वारा। फिर 1856 में अगस्ट क्रॉनिंग ने जो सिंपल गैस काइनेटिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उन्होंने एक्सप्लेन किया भी सिर्फ ये मानते हुए कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस का, उनमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ये मानते हुए।
फिर 1857 में रुडोल्फ क्लॉसियस, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, रुडोल्फ क्लॉसियस ने एक मॉडल और भी सोफिस्टिकेटेड मॉडल डेवलप किया। और इन्होंने सिर्फ ये नहीं माना कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, उनमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर मोशन भी होता है, ये भी उन्होंने माना था रुडोल्फ क्लॉसियस ने। और इनको मानते हुए उन्होंने अपना जो मॉडल डेवलप किया उसके आधार पे उन्होंने बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं गैस के, वो मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल और एटम पर ही डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड भी कैलकुलेट की, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लगभग 490 मीटर पर सेकंड के आसपास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड उन्होंने कैलकुलेट करी थी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 490 मीटर तक चला जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी अधिक। तो लेकिन लोगों ने इसको क्वेश्चन किया कि अगर एक सेकंड में आप कह रहे हो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 490 मीटर चली जाएगी तो ये तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट है, लेकिन अगर कोई परफ्यूम हम रूम के किसी एक कोने में छोड़ रहे होते हैं तो काफ़ी देर लग जाता है रूम के दूसरे कोने तक पहुंचने में। अगर डिफ्यूजन इतना फास्ट ही हो रहा होता तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाती, पलक झपकते ही हमारे हमारे पास पहुंच जाता अगर 490 मीटर एक सेकेंड में जा रही है। तो इस वजह से रुडोल्फ क्लॉसियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि शायद जो मेरा एजम्पशन है वो शायद गलत है, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की लास्टली कोशिश की। और मीन फ्री पाथ का एक उन्होंने आइडिया दिया था कि जो गैस के अंदर उन्होंने पहले माना था कि कॉलिजन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा, उन्होंने जो कहा कि जो मेरा एजम्पशन शायद गलत था और गैस के मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल नहीं होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं कि वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो इस वजह से वो उतनी दूर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्पीड उनका 490 मीटर पर सेकंड है, पर वो कंटिन्यूस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उतने स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये रुडोल्फ क्लॉसियस ने बताया था। परंतु लोगों ने इनको मानने से फिर इनकार कर दिया, उन्हें लगा कि रुडोल्फ क्लॉसियस अपनी थ्योरी को बचाने के लिए अपने एजम्पशन को चेंज कर रहे हैं, और उन्हें झूठ मान लिया गया रुडोल्फ क्लॉसियस को भी। रुडोल्फ क्लॉसियस के बाद एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन आए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने रुडोल्फ क्लॉसियस का ही जो मीन फ्री पाथ का जो आइडिया था उसी आइडिया का यूज किया, और सेम आइडिया का यूज करते हुए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी दिया, मॉलिकुलर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का एक लॉ दिया। उन्होंने कहा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी स्टैटिक नहीं होती है, सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक ही नहीं होती है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की एक रेंज होती है, 0 मीटर पर सेकेंड से लेके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मान लें कि स्पीड ऑफ लाइट c है, 3×10^8 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड, वहाँ तक उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल की स्पीड हो सकती है 0 से लेके c तक, मैक्सवेल ने कहा। और साथ ही साथ मैक्सवेल ने यह भी कहा कि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जब कोलाइड करते हैं, तो उनकी स्पीड भी चेंज करती है। तो इन सारे को मानते हुए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, चूँकि मॉलिक्यूल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है किसी गैस के अंदर, तो उन्होंने ही हैड गिवन द फॉर्मूला फॉर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के कुछ भाग के लिए हैविंग ए सर्टेन वेलोसिटी, एक सर्टेन वेलोसिटी से जितने मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, सर्टेन वेलोसिटी रेंज में, मतलब जैसे वी और वी प्लस डीवी के रेंज के बीच में जिनकी वेलोसिटी है वो कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया मैक्सवेल ने, उन्होंने इसके लिए प्रोबेबिलिटी का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, चूँकि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो उन्होंने समझा कि इतने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को सेपरेटली डील नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया,
जो कि बाद में चल के क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन का आधार बना। 1871 में फिर बोल्जमैन थे, लुडविग बोल्जमैन, इन्होंने मैक्सवेल का जो अचीवमेंट था इसको जनरलाइज किया और फॉर्मुलेट किया मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और उन्होंने जो इंट्रॉपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में जो लॉगरिथमिक कनेक्शन है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ले गए थे। उन्होंने कहा था कि वैसे उस समय लोगों का मानना था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काफ़ी एब्सोल्यूट है, लेकिन बोल्जमैन ने कहा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एब्सोल्यूट नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। तो इसको लोगों ने उस समय मानने से इनकार कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की बोल्जमैन ने साइंटिफिक कम्युनिटी को समझाने की, और अल्टीमेटली 1906 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। वजह कुछ भी रही होगी, या हो सकता है ये भी वजह रही हो शायद, लेकिन बोल्जमैन ने 1906 में सुसाइड कर लिया था। और इस समय तक एटम का एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं हुआ था। डाल्टन ने तो 1803 में बताया था, पर लोगों ने कहा कि ठीक है आपने बता दिया, लेकिन एटम को हम देख कहाँ पा रहे हैं। 1905 एक बहुत ही मिराकल ईयर था। इस ईयर में अल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने अपने चार पेपर पब्लिश कराए थे। चार पेपर थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक था, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तीसरा मास इनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पे, और चौथा ब्रॉनियन मोशन पे था। तो ब्रॉनियन मोशन के पेपर ने ये इस्टेब्लिश किया कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो सही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर सही है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो ब्रॉनियन मोशन को एक्सप्लेन किया था वो भी सही है। मतलब ब्रॉनियन मोशन को उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के द्वारा एक्सप्लेन किया और मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। ब्रॉनियन मोशन क्या है कि एक्चुअली में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे एक्चुअली। वो 1827 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वाटर के अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स जो डाले हुए थे उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखना शुरू किया। तो माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने जब देखा तो देखा कि पॉलन ग्रेन्स आर मूविंग, वो मूव कर रहे थे। तो उन्हें ये विश्वास नहीं हो पा रहा था, उन्हें लगा कि शायद इनमें कुछ ये लिविंग बींग्स होंगे पॉलन ग्रेन्स पर। फिर उन्होंने डस्ट पार्टिकल और सेंड पार्टिकल को भी वाटर में डाला तो फिर वही कंडीशन ऑब्जर्व किया। फिर 1827 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर बहुत दिनों तक इसे छोड़ दिया गया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया कोई और, लेकिन इसका सफिशियंट एक्सप्लानेशन नहीं दे पाए। आइंस्टीन ने एक्चुअली इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ा, ब्रॉनियन मोशन को और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। उन्होंने कहा कि ब्रॉनियन मोशन के पीछे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ही रिस्पॉन्सिबल है। ब्रॉनियन मोशन के पीछे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ही रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली में जो लिक्विड हैं, जो वाटर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं, और वो रेंडमली मूव करते करते उनके अंदर जो छोटे छोटे जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको टक्कर मार रहे हैं, और इनका जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है टक्कर की वजह से वो पॉलन ग्रेन्स भी रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो उसको इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया और काफ़ी हद तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस प्रूफ होने लगा था इस समय, और काइनेटिक थ्योरी को भी एक नया जान मिल गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद 1908 में जीन पेरिन ने तो इसे कन्फर्म ही कर दिया कि एटॉमिक नेचर होता है मैटर का, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने कन्फर्म कर दिया था। तो इस समय तक फिर काइनेटिक थ्योरी को बहुत बड़ा एक सर्वाइवल एक ये मिल गया था। और फिर बाद में 20th सेंचुरी में ही जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंटली भी उसको वेरीफाई किया गया। ड्यूरिंग द 80s ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1980 के पास, तब स्कैनिंग
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का भी तब इन्वेंशन हो चुका था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन की वजह से अब एटम्स को देखा जा सकता था उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह की मदद से एटम्स को इसलिए नहीं देखा जा सकता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और लाइट का जो वेवलेंथ है वो एटम्स के डायमीटर से बहुत बड़ा होता है। इस वजह से जो लाइट के माइक्रोस्कोप हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं, उनकी मदद से एटम्स को नहीं देखा जा सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ तो उसकी मदद से इसे देखा जा सका। इन तमाम चीज़ों की वजह से ये जो दीज डेवलपमेंट्स इन 20th century इस्टेब्लिश्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिस काइनेटिक थ्योरी अंततः इतना संघर्ष करने के बाद वो सफल हुआ, और आज जो हम लोग जान रहे हैं कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलके बना होता है, और वो मॉलिक्यूल और एटम रेंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इसके पीछे ये एक लंबा इतिहास है। इतना संघर्ष करने के बाद हमारी एक ये अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक थ्योरी के बारे में एस्टेब्लिश हुई है। थैंक यू।